भगवत है कमला मंदी के कदम करना होगा। शारदी बहुत सुंदर लगी बजा, वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हारे कदम चलना होगा। इन तीन वक्तों में हम अनुभव कर सकते हैं कि कितना कम समय है। समय कम है, मंजिल लंबी है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हमें उससे पार करना होगा। बाबा ने हम बच्चों को जैसे ये भी कह दिया है कि तुम बच्चों के लिए जो सेकेंडरी जीवन लगती है सेकेंडरी बार बार, लेकिन क्यों इतना समय लगता है? क्योंकि अन्य जनों का पापों का हिसाब किताब बहुत है, प्रेषक जनों का हिसाब किताब है, उन सब को शुरू करने में समय लगता है। इसलिए ज्ञान का है इतना समय लग रहा है। तो अभी समय में हमारा तीव्र पुरस्कार चले गए, यही अपना विषय हमें दिया गया है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे इस समय में मांग क्या है, समय में हमसे क्या चाहता है। अगर वो हम समय से पहले कर ले तो प्राप्ति अधिक होगी, नहीं तो जो समय में हमसे जबरदस्ती करवाएगा और प्राप्ति धीरे नहीं हो। समय से पहले तैयार होना ये बहुत ऊंची मंजिल है। तो बाबा ने हम बच्चों को तीन शब्द दे दिए हैं। पहला शब्द है अचानक, जो कुछ होगा सब अचानक होगा, पहले से कहकर नहीं आया, बताएगा नहीं पहले, अचानक होगा। चाहे उसमें अपना अंतिम समय हो, चाहे दुनिया का अंतिम समय हो, होगा सब अचानक। और दूसरा शब्द बाबा ने लिया है अचानक होगा, तो इसलिए हमें एवरग्रीन रहना है, सदा तैयार रहना है, बैग पैकेज तैयार, जब बुलाया आया हम तैयार। और फिर उसके लिए इस रीति दादा ने बताया है बहुत सारा अभ्यास, क्योंकि एवरग्रीन रहने के लिए भी बहुत सारा अभ्यास चाहिए। अब जाना है और हमने अपनी बैग पैकेज तैयार नहीं की है और बुलावा आ गया, चलो और हम कहीं नहीं रुको रुको मैं अपनी बैग तुम तैयार करूँ, अभी मैंने सब सामान नहीं डाला है, तो उसमें भी समय मिला जाएगा। तो बहुत काल का अभ्यास भी बहुत जरूरी है, तभी हम एवरग्रीन बन सकेंगे और अचानक के पास में हम कामयाब होंगे। जो आज भी बाबा की मुरली में
ना होगा कि वो अंतिम पेपर एक सेकंड का होगा और उस अंतिम पेपर में एक के सिवाय किसी की याद न रहे, यही अंतिम पेपर होगा। अशरीर की अवस्था एक सेकंड में बदल जाएगा। उस समय न कोई व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, न कोई घटना, न कोई स्थान, न कोई बात, कुछ भी याद न रहे। ऐसा शरीर बाबा मैं भी उसमें समा जाता। केवल और बाबा का पाठ हमें बहुत समय से पढ़ाई है, इसलिए मुझे यही शरीर का पाठ। तो सब तरह से बुद्धि हटा कर एक में ही मन लगे, यही हमारा लक्ष्य हो। क्योंकि बदल की दुनिया में हम देख रहे हैं अनेकों में बुद्धि फसल हुई है। मन और बुद्धि जो बाबा ने आज कहा आपके कर्मचारी है, आपका ऑर्डर मानने वाला होनी चाहिए। आप जो सोचना चाहो वही वो सोचे, सही निर्णय बुद्धि से संस्कार हमारे ओरिजिनल ही मन हो। तो ये कर्मचारी हमारे मन बुद्धि संस्कार हमारी इंद्रिया सही सब हमारे संतों में हो। ये तब होगा जब हमारा अशरीरी बनने का अभ्यास लगातार चलता रहेगा। एक तरफ बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, तो देही अभिमानी बनना फिर उसके ऊपर वही देही बनना फिर उसके ऊपर अशरीरी बनना, ये तीनों स्टेजेस है। देही अभिमानी बनना अर्थात आत्माभिमानी बनना, मन वचन कर्म में आत्मा की स्मृति सदा रहे, मैं आत्मा देख रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ, आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा ये कर रही हूँ और आत्मा को देख रही हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा से मिल रही हूँ, ये देही अभिमानी की स्थिति है, ये आत्म अभिमानी स्थिति है। जो आज तक कलयुगी दुनिया में देह अभिमान में थे, हम भले आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहते थे, गीता के अंदर आत्मा का चैप्टर है सारा, दूसरा अध्याय आत्मा के बारे में ही है। आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, आत्मा न जन्म लेती न मरती, आत्मा केवल चोला बदलती, ये सब कुछ है। लेकिन मैं वो आत्मा हूँ ये पता ही नहीं था, बस मेरी आत्मा ही कहते थे। अब बाबा ने वो तो हमारी भाषा बदल दी, मेरी आत्मा नहीं लेकिन मैं आत्मा, मेरा शरीर। और अब तक क्या समझते थे, मैं शरीर और मेरी आत्मा, अभी हमने समझा नहीं मैं आत्मा और मेरा शरीर। फिर बाबा ने कहा ये मेरा शरीर भी मत कहो, ये भी बाबा का है। तो मैं आत्मा मेरा बाबा कहा, तो जो कुछ मेरा है वो सब बाबा का हो गया, इसीलिए आत्मा भी बाबा की हो गई, और जो बाबा का है वो मेरा है। अब तक देह अभिमान में थे तो देह की बातें देखते थे, सुनते थे, अब देही अभिमानी बने, आत्मा अभिमानी बने। मैं आत्मा हूँ तो आत्मा तो बाबा की है, देहधारियों की तो है नहीं, देहधारियों का तो शरीर है, जिस देह को जन्म देने वाले माता पिता है वो भी सब देहधारी है,
जब किसकी मृत्यु होती है तो देह तो वही पड़ी होती है मृत्यु के बाद, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं और क्या कहते हैं, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना, समझते इनकी आत्मा तो भगवान के पास गई, ईश्वर की प्यारी हो गई, प्रभु की प्यारी हो गई। तो जो चीज जिसकी है वो उसके पास पहुंच गई, और शरीर जिस पांच तत्वों का बना हुआ है वो पांच तत्वों को देना है वापस। तो इसीलिए आत्मा उस परमात्मा की है ये भी समझ थी, लेकिन मैं वो आत्मा और उस परमात्मा की हूँ ये इतनी बुद्धि में बात नहीं थी। अब बाबा ने हमारी दृष्टि बदल दी, बुद्धि बदल दी, आवृत्ति बदल दी, सब कुछ बदल दिया, जिसको ही हम कहते हैं स्व परिवर्तन। और ये कर्म इंद्रियां मेरी राजा बन गई, मैं इनका राजा बन गया, ये मेरी सेवक बन गई। और जैसे ये निश्चय करते जाते हैं और हर कदम पर इसका भान होता जाता है, तो धीरे धीरे हम विदेही अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राजा जनक का मिसाल बाबा देते हैं, राजा जनक घर ग्रस्त में था, राजाई में था, लेकिन राजाई में होते हुए भी उसका मोह नहीं था उस राजाई से। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं घर ग्रस्त में ही रहो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन नष्टो मोहा भी उतना ही बनना है। क्योंकि मैं भी बाबा का और मेरा भी सब कुछ बाबा का, तो मोह किस में रखेंगे, एक में रखेंगे, और एक में मोह रखा तो जो उनका सो मेरा, लेकिन नष्टो मोहा हो करके चलेंगे। और जब नष्टो मोहा होते हैं तो ऑटोमेटिकली श्रुति लब्धा ये भी सहज हो जाता है, क्योंकि एक से ही सर्व संबंध हुआ। तो इसको बाबा कहते विदेही अवस्था, देखते हुए सुनते हुए भी नहीं सुनना, ये विदेही अवस्था है, मेरा कुछ भी नहीं। तो मैं मेरे से पार हो गए, तो आत्मा हो मेरा है तो बाबा है बस। अब ये जो विदेही अवस्था बनती है उसके आधार से ही अशरीरी अवस्था बनती है। अशरीरी अवस्था अर्थात एक सेकंड में देह से निकल, जैसे राजा जनक को कहा एक सेकंड में जीवन मुक्ति है और नहीं है, यही एक सेकंड का खेल है। घोड़े पर चढ़ रहा था तो घोड़े पर है घोड़े पर नहीं है, सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान है और नहीं, बस है और नहीं, हाँ और ना, है भी दुनिया में और फिर नहीं। ये है सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान, और इसी ज्ञान को हासिल करने के लिए हाँ राजा जनक ने इतने विद्वानों को बुलाया, जबकि है सेकंड की बात। तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी सेकंड का है, लेकिन वो विदेही अवस्था क्यों नहीं बनती, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। इसलिए आत्मा का पाठ बाबा ने शुरू से ही दिया, बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी यही कहा, तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। जो शुरू का जो इतिहास आता है उसमें आत्मा का ही पाठ था, कैसे एक दो को आत्मा देखना, आत्मा देखना। यहाँ तक कि बाबा बताते थे कि कैसे दादी यहाँ बताती थी कि कैसे ब्रह्मा बाबा आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते थे। बाबा की लौकिक युगल थी यशोदा बहन, तो बाबा कहते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, ताकि वो दृष्टि इतनी शुद्ध हो जाए उनकी भी और यशोदा बहन की भी। तो कैसे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, तो वो भी यही सुनती थी पढ़ती थी यशोदा आत्मा है, तो कैसे दृष्टि बदल गई। फिर बाबा की लौकिक बहू थी ब्रजिंद्रा दादी, राधिका उनका नाम था, तो बहुत ही गुणवान भी थी, सुंदर भी थी। बाबा उनको लौकिक में राजाओं महाराजाओं के पास ले जाते थे
बाबा की बहू, और कैसे उनको गहने पहना करके ले जाते थे, और जो राजा रानिया उनकी बहू को देखती थी बहुत सुंदर थी तो उनके गहनों से मोहित हो जाती थी और कहती थी यही गहने हमको चाहिए। तो कैसे बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे तो बहू उनकी बाबा के साथ ही होती थी, बेटी की तरह ही थी, लेकिन इतना मोह भी था। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और आत्म अभिमानी स्थिति बनती गई तो यशोदा आत्मा है, फिर राधिका आत्मा है, क्योंकि ये भी दूसरी परीक्षा, इसको भी आत्मा देखना है। नहीं तो पहले बहू भी घूंघट करती थी ना, सस का ससुर के आगे घूंघट करते हैं, तो उस समय तो बहुत ही था घूंघट का हिसाब किताब। तो कैसे बाबा ने कहा कि नहीं आत्म स्थिति बनानी है, तो बाबा ने सबका घूंघट भी उठवा दिया। कोई जरूरत नहीं, उस समय तो बहुत कुछ था हैदराबाद सिंध में, लेकिन सबको बाबा ने कैसे शेरनी शक्ति बना दिया। तो पहले अपने घर से ही शुरू किया ताकि उनका लौकिक परिवार भी एक उदाहरण बन जाए। तो कैसे शुरू का पाठ आत्म अभिमानी बनो, आत्माओ ये निश्चय करो। शिव बाबा का ज्ञान तो बाद में आया, इतना कुछ पता भी नहीं था, ये किसकी प्रवेशता है, ये कौन बोल रहे हैं, बाबा को खुद ही समझ में नहीं आता था। ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि और शक्ति बोल रही है, कौन सी शक्ति है, क्या है वो, कुछ ईश्वरीय शक्ति है। लेकिन शिव बाबा ने अपना परिचय कैसे इनके मुख से दिया और ब्रह्मा बाबा को भी समझ में आया कि ये माध्यम है शिव बाबा का। तो शुरू का पाठ आत्म अभिमानी स्थिति का पाठ रहा और अंत में भी बाबा कहते अशरीरी बनना माना बस मैं आत्मा उड़ी अपने वतन में। और उस समय और कोई याद न आए, एक क्वेश्चन ही होगा वो पेपर में और उसका उत्तर हाँ या ना में होगा, अशरीरी है या नहीं है। कोई भी अगर याद आया तो फिर आज बाबा ने साफ अक्षरों शब्दों में कहा, तो फेल या पास एक सेकंड का ही प्रश्न, बस इसका उत्तर हाँ या ना में देना है। नहीं तो दुनिया में प्रश्न होते हैं, एग्जामिनेशन होता है, परीक्षा आती है, तो परीक्षा कब होनी है वो पता होता है, तारीख का पता होता है, स्थान का पता होता है, कितना समय वो एग्जामिनेशन चलेगा, कितने घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे 1 घंटा, तो वो समय का भी पता होता है, स्थान का पता होता है, तारीख का पता होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या आएगा वो पता नहीं होता है। अगर बाई चांस लीक भी हो गया क्वेश्चन पेपर तो फिर दोबारा दूसरी डेट भी जाती थी, फिर प्रश्न बदले जाते थे, प्रश्न किसी को पहले मालूम न हो। और यहाँ यहाँ इसका अपोजिट है, इसके विरुद्ध है, क्वेश्चन पेपर का सबको पता है, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए, कोई याद ना आए, लेकिन वो कब आएगा पेपर, कहाँ आएगा, किस रूप में आएगा, किस द्वारा आएगा, कैसे आएगा, ये पता नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां तो कब आएगा ये पता है, तो कोई सोचेगा चलो एग्जामिनेशन 10 तारीख को है तो मैं 8 तारीख से पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा एक दिन पहले, कई होशियार स्टूडेंट होते हैं ना, तो यहाँ पर वो होशियारी नहीं चलेगी कि मैं एक दिन में सारी अव्यक्त मूल्यां साकार मूल्यां पढ़ लूंगा और मैं कर्मातीत अवस्था को पा लूंगा, ऐसे होगा क्या, और मैं एग्जामिनेशन दे दूंगा, नहीं, इसके लिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अंतिम समय का क्या हमारा पुरुषार्थ होगा वो हम अंत में नहीं करेंगे, अंत में कर भी नहीं सकेंगे। मान लीजिए हम स्कूल लौकिक परीक्षाओं में भी हम देखते हैं, अगर सारा साल तो पढ़ाई की नहीं, कई बार माता पिता कितने चिंतित हो जाते हैं अपने बच्चों को देखकर कि ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है, इसके एग्जामिनेशन अगले महीने है, देखो पढ़ ही नहीं रहा है। फिर माँ कहेगी बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ मम्मी पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा, लेकिन माँ बाप का सुनते भी नहीं है,
तो नहीं सुनते तो फिर लास्ट में जब एग्जामिनेशन के एक दो दिन पहले पढ़ना शुरू भी करते हैं मानो, तो इतनी अंदर में हम डर जाते हैं या स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, फिर डायरिया हो जाता है, बुखार आ जाता है, नींद ही फिर जाती है, लेकिन हम पढ़ाई का दिमाग में बैठती है कुछ भी नहीं। इसलिए उसमें भी बहुत काल का अभ्यास तो चाहिए। तो इसमें कितना अभ्यास चाहिए, वहां तो फिर भी एक जन्म की पढ़ाई है और यहाँ तो 63 जन्मों का हिसाब किताब हमको चुकू करना है। एक जन्म की केवल बात नहीं है और 63 जन्मों का हिसाब किताब और 63 जन्मों के कर्मों का बंधन जो अंत के समय हमारे नजदीक निकट आ सकता है और हमें परीक्षा में फेल कर सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते वो भी सारा खत्म करना है, क्योंकि अंत में बाबा कहते बहुत सारी बातें परीक्षा के रूप में हमारे आगे आई। वो क्वेश्चन पेपर तो एक सेकंड का जवाब होगा, लेकिन उसके पहले जो विघ्न आएंगे उन पर हमारी कितनी विजय होगी। अपने संस्कारों का पेपर वो भी तो आएगा और मित्र संबंधियों के प्रति जो हमारा व्यवहार था वो पेपर, या अनेक भटकती हुई आत्माओं की जो बातें आएगी वो भी आएगी अंत में। तो बहुत आत्माएं भटकेगी, अकाले मृत्यु होगा तो कितनी आत्माएं भटकेगी, और अगर किसी के साथ कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब होगा तो वो हिसाब किताब भी सामने आएगा। तो अपने पुराने संस्कार, अपने पुराने कर्म बंधन, अपने आप पुराने जो कुछ भी आप कहो विकर्म पाप कर्म, वो सब सामने आएंगे। अगर सब सबका चुकतू सबको चुकतू नहीं किया होगा तो इसीलिए बाबा कहते वो तो करना ही है। और इसके लिए बाबा ने हमें 3 तरीके बताए हैं कैसे इनको चुकतू करना है। 3 तरीके क्या बताए हैं, सबसे पहला तरीका है, पहला कदम है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये हर मुरली में बाबा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यही राजयोग है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। केवल मुझे याद करो ये आधा से आधा भाग हो जाएगा, तो देह अभिमान में भी रहकर भगवान को तो याद करते ही है, लेकिन अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो ये है मेन एम्फेसिस, इसका ध्यान। क्योंकि आत्मा हूँ तो मैं निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, और देह समझा तो साकार याद आएगा। अभी भी सब जितने भी भक्तगण हैं सब देहधारियों को याद करते हैं, निराकार को भले वो साकार मानते हैं। अभी भी हम गए थे अयोध्या में तो श्री राम को तो सब मानते हैं, लेकिन वो निराकार राम उसको कहाँ जानते हैं, निराकार राम को तो जानते नहीं, और वही समझते वो निराकार ही साकार है, इसलिए साकार में ही फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान तो हम बच्चों को उस निराकार स्थिति का अनुभव कराते हैं, आत्मिक स्थिति का अनुभव, जो किसी को भी नहीं है। इसीलिए बिंदु समझ करके बिंदु को याद करो, ये बाबा जो कहते हैं ना ये निराकार स्थिति है। तो बिंदु बन बिंदु को याद करो, बिंदु से सर्व संबंध जोड़ो, उस बिंदु में सिंधु देखो, ये निराकार स्थिति है। और उस निराकार स्थिति में हम जितना रहेंगे, जिसको बाबा बीज रूप की अवस्था कहते हैं, एकदम अशरीरी अवस्था, कुछ भी याद न रहे साकारी दुनिया का, और जो भी कुछ हो रहा है बिंदु लगाते जाओ, आज भी बाबा ने कहा बिंदु लगाते जाओ, बिंदु लगाते जाओ। तो बिंदु लगाते जाएंगे तो क्या होगा, पुराना हिसाब किताब भी खत्म होता जाएगा और अनेक जन्मों की कमाई भी जमा होती जाएगी, डबल काम होगा। एक तो बिंदु लगाने से पुराना हिसाब किताब पूरा होगा, और दूसरा बिंदु लगाते जाओ मैं आत्मा बिंदु बाबा बिंदु ड्रामा बिंदु, तो क्या होगा, कदम कदम पर पदम की कमाई होती जाएगी। ये कमाई का तरीका है, क्योंकि हमारे सिर पर बहुत पापों का बोझा है, बहुत कर्जा है,
अब इस कर्जे को चुकता करना है तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी, जैसे किसके सिर पर बहुत कर्जा हो और उसको कमाई इतनी करनी है जो कर्जा भी चुकता कर सके और आगे के लिए भी कमाई जमा कर सके, तो कितना कमाना पड़ेगा सोचो। तो इसीलिए 63 जन्मों का घाटा हमने जो अपने ऊपर कर्जे के रूप में डाला, वो 63 जन्मों का कर्जा भी खत्म करना है, हिसाब किताब कर्मों का, और 21 जन्मों की कमाई करनी है, पूरा 84 जन्म। तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी और वो कमाई कैसे होगी, जीरो लगाते जाओ, बिंदु लगाते जाओ, बिंदु जोड़ते जाओ बस। और इससे हमारे पाप भी नष्ट होंगे, आत्मा शुद्ध भी बनेगी और कमाई भी जमा होगी। तो ये पहली बात है, ये पहला कदम है, बिंदु समझ, बिंदु को याद करना, एकदम अशरीरी बन जाना, माना बिंदु बन बिंदु को याद करना। एक सेकंड में जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, मैं भी ऐसे ही अपनी इंद्रियों को सिकोड़ कर बिंदु बन जाऊं। फिर दूसरा कदम अपने पापों को खत्म करने का है कि आगे कोई पाप ना करे। एक होता है घाटा तो है सिर पर, बहुत कर्जा है सिर पर, वो तो चुकता करना है, पर आगे तो नहीं कर्जा उठाओ, वो भी बहुत जरूरी है। एक तरफ कर्जा चुकता कर या दूसरी तरफ कर्जा उठाते रहे तो क्या होगा, तो वही रहेगा, बैलेंस तो होगा नहीं, अनिल तो होगा नहीं। इसलिए आगे कोई कर्म पाप का नहीं बनना चाहिए। पाप का कर्म कैसे बनता है, कैसे बनता है, कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आता। दुनिया में हम जब कहते हैं ना आगे कोई पाप नहीं करो, तो कहते हैं बहन जी पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, पता ही नहीं पाप क्या है पुण्य क्या है। लेकिन बाबा ने पाप की बड़ी परिभाषा दी है, पाप किसको कहा जाता है, कोई भी कर्म दे अभिमान में आकर विकारों के वशीभूत हो, विकारों के वशीभूत हो, वो कर्म पाप कर्म बनता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी हेराफेरी बेईमानी छल कपट, ये सारे विकार सब विकृतियां हैं, इनके वश कोई भी अगर कर्म हुआ वो पाप के खाते में जाएगा, गारंटी है। ये कोई नहीं कह सकता इसने ऐसे किया इसलिए मैंने गुस्सा किया, इसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, वो कुछ नहीं करे ना, उनका कर्म उनका हिसाब किताब। उसने मुझे गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा, अरे भाई गाली उसने दी उसका कर्म बना, तुमने के थप्पड़ क्यों मारे, तुम्हारा भी तो कर्म बना और ही ज्यादा बन गया, तो केवल मुख से बोला आपने तो हाथ चलाया, तो किसका कर्म ज्यादा बना, हाथ चलाने वाले का। इसीलिए बाबा कहते आगे कोई पाप कर्म नहीं करना है। इसलिए बाबा इतनी शक्तियों की बातें करते, सैन्य शक्ति हो समानी की शक्ति हो, जिस शक्ति का आह्वान करो वो शक्ति तुरंत आ जाए, एक सेकंड में वो सैन्य शक्ति मेरे पास हाजिर हो जाए और मैं आत्मा कैसे शांत हो जाऊं। इसको कहेंगे हाँ सब शक्तियां सारे गुण सब हाजिर हो मेरे सामने, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाऊं। तो आगे कोई भी पाप कर्म नहीं करना है और जो है उसको तो चुकता करना, आगे नहीं करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, लेट गो, इसको हम कहते लेट गो, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, सदा याद रखो ये मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, हिसाब किताब चुकता हो रहा है। और तीसरा जो बाबा कहते हैं अगर कोई शरीर का रोग आ जाए, कुछ भी ऐसी बात आ जाए तो उससे दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि आज भी बाबा ने तो हमारी सोच पर आधारित है, कोई जबरदस्ती किसी को दुख नहीं दे सकता है, जबरदस्ती किसी के ऊपर दुख थोप नहीं सकता है। इसीलिए ये तब होगा जब हम अपने अंदर में ये सोचेंगे अभी बाबा जाने, हाँ बाबा पर छोड़ दो, बाबा पर छोड़ दो, बाबा ही सब कुछ करेगा, अपनी जिम्मेदारी बाबा को दे दो, जिम्मेदारी को अपने आप पकड़ के मत रखो। अगर हम पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है, बाबा कहेगा अभी पकड़ के रखा है तो करने दो,
और अगर बाबा पर जिम्मेदारी छोड़ेंगे तो बाबा जिम्मेदार हो जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे। कई भाई बहने कहते हैं ना, तब सबको जिम्मेदारी बाबा पर कैसे छोड़ सकते, बाबा को तो बहुत काम है। बाबा को तो कितनी आत्माओं का काम है, और मैं एक्स्ट्रा क्यों दूं बाबा को, मैं कर लूंगा खुद ही। बाबा कहिए करो हाँ करो भले करो, हाँ बाबा को जिम्मेदारी देखे देखे तो देखो। इसलिए वो देखो, हम कई बार होते हैं ना रोड पर जाते हैं, वो कचरा फेंकने का स्थान होता है, लिखा यूज मी हाँ मुझे इस्तेमाल करो, माना वो कचरा जो है वो मेरे अंदर डालो। तो बाबा भी कहते हैं यूज मी, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना। तो हजारों हाथों वाला, हजारों बाहों वाला, उसके लिए एक व्यक्ति का बोझ क्या बड़ी चीज है। हजारों का, लाखों का, करोड़ों का बोझ उठा सकता है तो मेरा भी वो उठा ही लेगा ना। हम तो बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल देखते हैं ना, जब हम ट्रेन में आते हैं तो ट्रेन में सामान बहुत होता है। अब हवाई जहाज में आते हैं तो वो ट्रॉली ले लेते हैं, चलो ट्रॉली में डाला। अब ट्रेन में तो कुछ ऐसी ट्रॉली वोली तो है नहीं स्टेशन पर, तो खुली करते हैं। अब खुली को डालाओ भले पैसा लेगा, लेकिन हम कुली को सामान देंगे, फिर कहेंगे लाओ पेटी, लाओ एक पेटी, दूसरी पेटी, तीसरी पेटी, लाओ लाओ लाओ, लेकिन यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, पीछे भी रखो। हम कहेंगे कितना उठाएगा कितना उठाएगा, कहते लाओ लाओ लाओ। वो अपने आप को बैलेंस देखता है, वो सामान का वजन नहीं देखता, वो बैलेंस देखता है कि मैं बैलेंस कैसे दोनों तरफ करूँ, इसलिए ये भी दो यहाँ भी दो। और चलो हम सोचते नहीं नहीं इतना नहीं देना, कुछ मैं भी उठा लूंगी। अब हम तो एक एक उठाएंगे धीरे धीरे धीरे, वो तो बराबर फड़ाफट भाग जाता है, भागता रहता है। तो भगवान भी क्या करते, बाबा भी क्या करते, बच्चे दो मुझे, दो अपना बोझा दो, दो मुझे। और हम तो नहीं बाबा हम उठा लेंगे, हम उठा लेंगे, तो उठाओ उठाओ और समस्याओं में पड़े रहो। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूँ। और सबसे वंडरफुल बात तो ये है कि जैसे खाली बैठा हूँ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भी एक ऐसा सुंदर अनुभव हमें हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे भी हूँ, तुम्हारे पीछे भी हूँ, मैं तुम्हारे अगल बगल भी हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर भी हूँ, है ना। बाबा ऊपर में है तो हमें क्या अनुभव होता है, बाबा की आशीर्वाद हमें मिल रही है, हर वक्त मिल रही है। कहीं भी जाते कहेंगे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। अगर बाबा की आशीर्वाद सदा हमारे सिर पर है तो किसी से मांगेंगे क्या आशीर्वाद, जरूरत ही नहीं है। भगवान की आशीर्वाद हमारे सिर पर है। लेकिन जो बार बार कहेंगे आशीर्वाद दो आशीर्वाद, बाबा कहीं भी भक्ति मार, आशीर्वाद मांगना थोड़ी होता है। ऐसे हमारे श्रेष्ठ कर्म हो जो अपने आप किसी की दुआएं निकले, हमको कहने की भी जरूरत ना पड़े। तो बाबा की आशीर्वाद तो सदा है ही, तो सदा ऐसे समझो बाबा की आशीर्वाद हमारे सिर पर है, छत्र छाया वो हमारे सिर पर है। और फिर बाबा आगे भी है, बाबा कहते तो जो भी कर्म करो ये देख के करो। ये अगर बाबा यहाँ होते, चाहे साकार ब्रह्मा बाबा भी अगर इस परिस्थिति में होते या स्थिति में होते तो क्या करते। तो बाबा ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ, तो ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा ऐसे करते तो मुझे ऐसे करना है। तो ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ, वो हमारे लिए आदर्श है, जिसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तो उनके कदम पर कदम रखो, तो बाबा हमारे सामने भी है, बाप दादा है, और पीछे भी है, तो आगे है तो उनको फॉलो कर रहे, और पीछे है तो बाबा क्या है, हमारे रक्षक है, रक्षक है, अंग रक्षक होते हैं ना, किसी बड़े व्यक्ति के, प्राइम मिनिस्टर के अंग रक्षक होते हैं, वो कमांडर होते हैं, काले काले कपड़े पहन करके घूमते हैं, चारों तरफ उनके इर्द गिर्द होते हैं, और वो बीच में होता है, उनका एक पूरा सर्कल बन जाता है, उसी घेरे में रहते हैं ताकि कोई भी दुश्मन बीच से आ न सके। तो हमारे घेरे में कौन है, या हम किसके घेरे में है, तो फिर कहाँ से दुश्मन आएगा, कोई विकार का वार नहीं होगा। तो पीछे भी बाबा है जो हमें हर वक्त हमारी रक्षा कर रहा है, और साथ में भी है, हाथ में हाथ है, बुद्धि का साथ है। तो अगर ये हाथ में हाथ और साथ है तो और किसी का हाथ पकड़ेंगे क्या, कौन है हमारा साथी, बाबा है।
तो बाबा को सच्चा साथी बना लिया, सब तब्बन उनके साथ है, तो फिर फिकरात की क्या बात है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कोई तन का रोग भी आए तो भी क्या समझो, बाबा ये शरीर भी आपका है, मेरा तो है नहीं। और कभी भी अपने तन के रोग का वर्णन सबको करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं तो हमारी इनको विद्या दीदी को देखती हूँ, आज ये मुझे बताया, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे विद्या दीदी को ऐसे स्टेंट पड़ा और इतनी उनकी उनका प्रेशर लो हो गया था, दादी जानकी उस समय आज मुझे सुना रहे थे। हाँ मैं तो सुन करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई थी, ऐसे कैसे हुआ और कैसे इन्होंने तो सोच लिया कोई बात नहीं अगर जाना होगा तो जाऊंगी, क्या सुंदर अनुभव इन्होंने सुनाया। मैं तो सचमुच इनको धन्य कर, इनको इनके लिए ताली बजा, आज मुझे सुना। इतनी सारी बातें उनके सामने आई लेकिन इनको जरा भी फिक्र नहीं, अब देखो हाँ ये हमारे लिए उदाहरण है, बहुत कुछ हम इनसे सीखे आज, आज विशेष। अब दो दिन से साथ में इतना कभी तक इतना अभी तक इतने नहीं साथ रहे, दो दिन से जो हमने इनके साथ रह करके सीखा सचमुच अवर्णनीय है। तो इसीलिए आज तन का भी देखो हाँ बाबा बोझ उठा लेगा, फिर कुछ भी और बात है कोई बात है बाबा आप जानो, कोई धन की भी बात है बाबा आप जानो। और हमने देखा है अभी भी मैं अयोध्या गई थी तो अयोध्या में हमारे जो मुकेश भाई है उनकी भी कमाल है सचमुच, कैसे इतने साधु संतों को उन्होंने इकट्ठा किया, कैसे इतनी सेवा कराई और इतना खर्चा भी हुआ होगा, ऐसे नहीं कि खर्चा नहीं हुआ, हर प्रकार से खर्चा। तो वो बता रहे थे अपना अनुभव, कहता मैं तो बाबा को छोड़ दिया, बाबा को जो कराना होगा बाबा कराएंगे और बाबा ही देगा, कहाँ से आ जाता है, कैसे बाबा की मदद मिलती है, मैं तो खुद हैरान होता हूँ, इसीलिए मैं तो कोई चिंता नहीं करता। मैं कर रही हूँ कि छोड़ा ही हूँ कि 6 दिसंबर आप सबको पता है कि मस्जिद टूटा था, 6 दिसंबर बहुत विकट दिवस होता है, प्रशासन बहुत सतर्क रहता है, अलर्ट हो जाते हैं। और उसी दिन ही अब उन्हीं दिनों में राज ठाकरे भी बंद से आ गए थे, मुझे मंदिर बनाना है कोर्ट घेरी कर रहा है। और एक महात्मा जी ने सुना होगा आत्मदाह का ऐलान कर दिया था कि हम आत्मदाह करेंगे, और ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि ये संत सम्मेलन होगा या नहीं, और कर्फ्यू भी फैजाबाद में लगा दिया गया था। तो लेकिन बाबा का कार्य है इसलिए बाबा को ऊपर छोड़ दिया, तो जो मेन वहां के ये मंदिर निर्माण के अध्यक्ष हैं जन्मे जय महाराज, तो बाबा को सम्मेलित बनाता, उन्होंने कहा तुम प्रोग्राम को स्थगित नहीं करो, पोस्टपोन भी नहीं करो, ये जो आत्मदाह करने जा रहा है इसका इंतजाम हम करेंगे। तो उसको प्रशासन से मिलकर 34 जेल करा दिया, तो हम लोग पहुंचे और सारे संतों को कह दिया था जितने वहां के मठाधीश हैं महान जो भी हैं, और वो अयोध्या के भी जगत गुरु बना दिए गए, तो सबको कह दिया कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, मैं 5 मिनट के लिए मंच पे आऊंगा जाते वक्त एयरपोर्ट पे, तो देर होते वो भी नहीं आ रहे थे, तो हमने कहा आप चलिए और 2 शब्द बोल के फिर आइए, बोल के चले गए। और उनके फोन से और मुकेश भाई की सेवा से पूरा मंच संतों से भरा हुआ था, एक भी मिस नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो एमपी चले गए थे कोई झांसी चले गए थे वो सब भी डायरेक्ट जैसे हम पहुंचे हैं, बहन जी आगू से पहुंची हैं, तो बड़े बड़े मंडलेश्वर एमपी से और झांसी से और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो भी सारे डायरेक्ट मंच पे आए हैं, सारा अपना काम वहां तक छोड़ करके। इसलिए वो सुना रहे थे कि बाबा को छोड़ दिया खर्चा और भीड़, अब आप सुनिए क्योंकि ये मुझे पता था। जो जो मधुबन होकर के गए उन्होंने क्या महिमा की, बाबा की मधुबन की ब्रह्मा बाबा की, और भले वो कहते आप लोग शिव को मानते हो हम राम को मानते, लेकिन शिव राम शिव और चलो ठीक है। हाँ हम राम सीता के सिवाय तो और कुछ बोलते ही नहीं थे, अभी हमने ओम शांति भी साथ में बोलना शुरू कर दिया है।
तो देखो ये है बाबा की कमाल, ये सब है अंतिम समय की भी निशानियाँ। जो हम कई बार बाबा का सुनते हैं, मुरली में आता है कि जो अंतिम समय की घड़ियां होगी ना, अंतिम घड़ियां, उस समय दो विशेष आत्माएं वो आपके बहुत नजदीक आएंगी और आपके आगे झुकेंगी। एक तो ये संत महात्माएं, ये झुकेंगे और